हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही T20 सीरीज के दूसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा ग्रेनेडा के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 27 जून को रात के 11:30 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है फैन कोड के ऊपर। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहां पे आपको इस मुकाबले की फैंटेसी टीम मिलेगी। उसके अलावा इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका के मुकाबले, वुमेन्स क्रिकेट के मुकाबले, T20 ब्लास्ट के मुकाबले, इन सारे मुकाबलों की फैंटेसी टीम आपको मिलती है टेलीग्राम के ऊपर। आपको सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और जल्दी से मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है। और आप इस मुकाबले की फैंटेसी टीम बना सकते हो फैन टू प्ले के ऊपर, जहां पे आपको इस मुकाबले के अंदर एक फ्री एंट्री मिलने वाली है। साथ ही में आपको इस ऐप के ऊपर 11 प्लेयर चुनने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप केवल 2, 3 या 4 प्लेयर की टीम बनाकर भी फैन टू प्ले के ऊपर विनिंग कर सकते हो। साथ ही में आपको फर्स्ट डिपॉजिट के ऊपर 200% का बोनस भी मिलता है। तो किस बात का वेट कर रहे हो? आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आप मेरा रेफर कोड स्पोर्ट्स कॉप यूज करते हो, आपको फ्री में बोनस कैश भी मिलने वाला है। तो डाउनलोड करो फैन टू प्ले एप्लीकेशन को और विनिंग करनी स्टार्ट कर दो। अगर मैं आपसे बात करता हूं पिच रिपोर्ट के बारे में, तो काफी डिसेंट लगा मुझे कल का पिच बल्लेबाजी करने के लिए। हालांकि स्पिनर्स की बॉल थोड़ी रुक रुक के आ रही है, और वापस मुकाबला अगर कल वाले ट्रैक के ऊपर ही होता है तो थोड़ा सा पिच स्लो हो सकता है इस मुकाबले के अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूं वेस्ट इंडीज की टीम के बारे में, जो टीम पूरी तरह से भरी पड़ी है T20 स्पेशलिस्ट के साथ में। और टीम ने खुद की क्वालिटी प्रूफ करी पिछले मुकाबले में, जहां टीम को एक तरफा जीत मिली। इवन लुइस ने काफी शानदार हाफ सेंचुरी मारी, उनका स्ट्राइक रेट था 200 से ऊपर का। पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रहे इवन लुइस वेस्ट इंडीज के लिए बल्लेबाजी करते हुए। फ्लेचर को मौका मिला अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेलने का, और रन आउट होने से पहले फ्लेचर भी काफी ज्यादा तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे इस टीम के लिए। क्रिस गेल ने काफी सदीवी पारी खेली, काफी देख देख के खेल रहे थे वो, और उन्होंने भी काफी अच्छी बैटिंग करके दिखाई। और फिर आया रसल का नंबर, और रसल ने भी काफी कमाल की फिनिशिंग करी, आराम से छक्के मारे थे रसल। उसके अलावा उनको गेंदबाजी के अंदर भी एक विकेट मिला। निकोलस पूरन और पोलार्ड को तो बैटिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ी इस टीम के लिए। तो वेस्ट इंडीज के पास उस काफी कमाल के बल्लेबाज T20 फॉर्मेट के अंदर गेंदबाजी के अंदर एलन ने 2 विकेट निकाले। एलन की गेंदबाजी को इन ट्रैक्स पे हेल्प मिलती है, काफी अच्छे फॉर्म में लगे एलन। उसके अलावा डीजे ब्रावो ने भी एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाया, और उनको भी 2 विकेट मिले पिछले मुकाबले में। साथ ही में ओबिद मकॉय, जेसन होल्डर, केविन सिंक्लेयर, इन सब ने भी काफी सदीवी गेंदबाजी करी वेस्ट इंडीज के लिए। तो वेस्ट इंडीज की टीम की बल्लेबाजी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इनकी बल्लेबाजी में T20 के सारे बड़े नाम है। बॉलिंग थोड़ी कमजोर है, पर इस तरह से बॉलिंग भी खेलेगी तो वेस्ट इंडीज एक बहुत ही बड़ा फोर्स होने वाली है इस साल सभी टीमों के लिए T20 फॉर्मेट के अंदर। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 के बारे में, तो इनके लिए ओपन करेंगे एंड्रे फ्लेचर और इवन लुइस, नंबर 3 पे क्रिस गेल, नंबर 4 पे निकोलस पूरन, नंबर 5 पे एंड्रे रसेल, नंबर 6 पे कारन पोलार्ड, नंबर 7 पे फेबिन एलन, फिर जेसन होल्डर, डीजे ब्रावो, ओबिद मकॉय और केविन सिंक्लेयर। जरूर से वेस्ट इंडीज की टीम लगातार दूसरा मुकाबला जीतना चाहेगी। अब मैं आपसे बात करता हूं साउथ अफ्रीका की टीम के बारे में, जो कि पूरी तरह से स्ट्रगल करती हुई दिखी पिछले मुकाबले के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि ये इनकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है जो कि ये टीम खिला सकती है। रेसी वेंडर डसन ने काफी डिसेंट पारी खेली पिछले मुकाबले के अंदर। डसन का रिकॉर्ड काफी शानदार रहा व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और क्विंटन डिको को भी अच्छा स्टार्ट मिला पिछले मुकाबले में, हालांकि वो बड़ी पारी को कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो डीकॉक और डसन वापस इस मुकाबले के अंदर सबसे अच्छे बल्लेबाज रहने वाले इस टीम के लिए। बाकी डेविड मिलर, हेंड्रिक क्लासन, टेम्बा बाउमा, ये सारे काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, बस इनको फॉर्म में आने की जरूरत पड़ने वाली है। मुझे लगता है कि एडन माकरन को मौका मिलना चाहिए इस मुकाबले के अंदर। माकरन ने पिछली सीरीज में काफी अच्छी बल्लेबाजी करी थी, और फॉर्म उनका काफी अच्छा रहा है साउथ अफ्रीका की टीम के लिए। अगर मैं आपसे बात करता हूं गेंदबाजी के बारे में, तो भली
पिछले मुकाबले में टीम की गेंदबाजी फ्लॉप हो गई हो, पर आंड्रिक नोकिया, कगिसो रबाडा, तबरेज शामजी, लुंगी एनगिडी, ये चारों काफी कमाल के गेंदबाज हैं, आप इनको ड्रॉप नहीं करना चाहोगे, ये अपने दिन पे काफी कमाल की गेंदबाजी कर सकते हैं। तो साउथ अफ्रीका की टीम ज्यादा बदलाव कर नहीं सकता इस टीम के अंदर, सारे बड़े प्लेयर्स खेल रहे, बस मुझे लगता है कि एडन माकरम को मौका मिलता है इस मुकाबले के अंदर। तो साउथ अफ्रीका के लिए ओपन कर सकते हैं क्विंटन डीकॉक और एडन माकरम, नंबर 3 पे टेम्बा बवुमा, नंबर 4 पे रेसी वेंडर डसेन, नंबर 5 पे हेनरिक क्लासेन, नंबर 6 पे डेविड मिलर, नंबर 7 पे जॉर्ज लिंडे, फिर कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, तबरेज शामजी और आंड्रिक नोकिया। तो जरूर से एक बड़ा मुकाबला साउथ अफ्रीका के लिए इनके गेंदबाजों के ऊपर दरअंदर रहेगा इस मुकाबले के अंदर। आप मुझे कमेंट करके बताएं मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होगी वेस्ट इंडीज, वो टीम होगी साउथ अफ्रीका, बताओ मुझे कमेंट करके, और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली फिल्म के ऊपर। हालांकि इस मैदान पे चेस करते हुए टीमों का एडवांटेज रहता है, पर फिर भी मैं ऐसे टीम देखता हूं तो वेस्ट इंडीज की टीम T20 फॉर्मेट के हिसाब से एक बहुत ही खतरनाक टीम है इस मुकाबले के लिए। तो उम्मीद करता हूं वीडियो को पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब किया चैनल को इस तरह वीडियो देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो के अंदर, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।